हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी जस्ट उठा हूँ, सुबह के 5 बज रहे हैं और उठ के देखा पोपट हो गया, मेरी वीडियो अपलोड नहीं हुई अभी तक। यूजुअली हो जाती है, मैं रात को लगा के छोड़ देता हूँ, जब भी गांव में आता हूँ ना तो सुबह तक हो जाती है। तो देखा तो सुबह तक 0% है भाई। उठते ही मैं एकदम से बाहर आया, मैं कहा ढूंढो जहाँ पे नेटवर्क मिले और वीडियो अपलोड करो, तो मेरी वीडियो अपलोड नहीं हुई यार, पोपट हो गया। 3 घंटे बाकी है, 8 बजे हमारी वीडियो आ जाती है, इसीलिए हमने होटल रूम बुक किया था, वाईफाई था ना वहाँ पे, बट गांव में तो नहीं है। तो देखते हैं अब किस तरह से अपलोड करता हूँ मैं। तो अभी यहाँ पे थोड़ी स्पीड आ रही है, मतलब घर के सामने मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो होपफुली जल्दी अपलोड हो जाए वीडियो। तो फाइनली वीडियो अपलोड हो गई यहाँ पे, 1 घंटा वेट करने के बाद अब मिला है सुकून, अब चलते हैं अंदर। तो अभी पीयूष और कुनाली भी उठ गए हैं। पीयूष जल्दी रेडी हो जा, निकलना है आज अपने को। पीयूष तो अभी फुल नींदों में, आँखें ही नहीं खुल रही इसकी। क्या कर रहा है भाई ये, क्या कर रहा है? तो अभी 8 बजने वाले हैं, हमारा व्लॉग आने वाला है, ओनली 1 मिनट बाकी है। और पीयूष यहाँ पे आ गया रेडी होके, थोड़ा सा खा ले, थोड़ा सा, थोड़ा सा, थोड़ा सा। तो ये वही सब्जी है जो हम कल जंगल से तोड़ के लाए थे। तो अभी हम जा रहे हैं बाइक लेने के लिए, बाइक हमने गांव में किसी घर पे खड़ी कर दी थी। हमारे घर पे तो आ नहीं सकती बिकॉज हमारा घर तो ऊपर है ना, सीढ़ियों से जाना पड़ता है, और रोड पे खड़ा करना सेफ नहीं है, कोई कुछ करके चला जाएगा बाइक पे। और हमको इतनी दूर जाना है हरियाणा, यहाँ से अराउंड 600 किलोमीटर, तो रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए हमने गांव में किसी घर पे खड़ी कर दी है जहाँ पे सेफ रहेगी। तो दिखा देता हूँ कहाँ पे करी है। नमस्कार, ठीक हो? और क्या ही, मम्मी पापा ठीक है? प्रणाम कर। हाँ मम्मी पापा ठीक है। तो बाइक अपन ने यहाँ खड़ी करी है, यहाँ से ले गया था इधर, यहाँ से और यहाँ से इस वाले घर में। तो अभी दोनों भाई रेडी हो चुके हैं, हम अच्छे से बाइक भी रेडी हो चुकी है, सारा सामान पैक कर लिया है और तिलक वगैरह भी हो चुका है अच्छे से। तो अब निकलते हैं, आज हमारा प्लान है हल्द्वानी तक जाने का, और अभी टाइम हो चुका है, 9 बजने वाले हैं, तो देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। शाम तक भी पहुंच जाए तो कोई टेंशन नहीं है, आज हल्द्वानी रुक जाएंगे। फिलहाल तो अभी चलते हैं पहले तो होटल रूम पे। पारस भैया फ़ोन नहीं उठा रहे, ना दिव्यांश फ़ोन उठा रहा, शायद वो सो रहे हैं अभी तक। मैंने कहा था सुबह 8 या 9 बजे निकल लेंगे हम, और वो सो रखे हैं, फ़ोन ही नहीं उठा रहे। जाते हुए उन्होंने ऐसे किया था और आते हुए भी, देख लो। अब जाना पड़ेगा हमको होटल रूम पर, उनको उठाना पड़ेगा वहाँ से, फिर चेकआउट करके फिर निकलेंगे। तो ठीक है अम्मा, हाँ। मैं जल्दी आऊंगा, हाँ, गाड़ी लेके आऊंगा, फिर सारे आएंगे। ठीक है चाची, ठीक है चाचा जी। चलो ठीक है, आराम से जाना। हाँ आराम से जाएंगे। तो अभी 9 बज चुके हैं और अभी तक पारस भैया कोई अता पता नहीं है, वो कर क्या रहे हैं, कहाँ हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं, धूप आ चुकी है, बस ऐसा ही रहे पूरा दिन। हम आराम से हल्द्वानी पहुंच जाएंगे, होटल पे तो पहुंच गए, ये रहा हमारा होटल, देखते हैं वो उठे भी हैं या नहीं उठे। हेलो, क्या बात, सोए हो अभी तक? तो गाइस बात ऐसी है, अभी दोनों में से कोई भी नहीं उठा था, अभी उठे हैं सीधा, और ना नहाए इन्होंने, कुछ नहीं किया। आप कह रहे हैं अब नहाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये तो मेरे ख्याल से 11 बजेंगे, अभी तो 9 बजे हैं और हम यहाँ पे रेडी होके आ चुके हैं। 5 बजे उठे हम? मैं तो 4 बजे उठ गया था। हाँ कहाँ जा रहा है? परांठे, परांठे चाय और दही। गांव में चाचा जी ने इतनी प्यार से रोटी सब्जी रखी थी और इसने खा गया, और यहाँ पे आके परांठे ऑर्डर कर रहा है, शर्म नहीं आती तेरे को? मैंने उनके लिए करा है। रहने दे, तूने 3 लोगों के लिए करा है, तीसरा तू ही है। मैं थोड़ी हूँ। मैंने नहीं खाया गांव में खाना, खा नहीं सकता था? एक दिन नहीं खाएगा तो बाहर का कुछ नहीं होएगा, नहीं क्या पापा जी ने रख, क्या मना थोड़ा ना, क्या खा ले, खा के नहीं आया तो भूख लगी तो खाएगा ही, ऐसी हरकतें हैं इसकी। तो अभी भी जस्ट देखा, मेरा जो ये फेवरेट कवर था येलो कलर का जो मैंने लिया था, टूट चुका है, बीच में से 2 हिस्से हो गए इसके, देखना। अब लगाना तो है नहीं, मैं ही रख लेता, मैं ही शॉप करूंगा, देखो कवर से शॉप करेगा है। तो अभी अराउंड 10:30 बजने वाले हैं, अभी हम चेकआउट कर रहे हैं, देखते कब तक निकलेंगे, मैंने कहा था 11 बजेंगे, देखना। बाय द वे ये होटल था जहाँ पे हमने स्टे किया था, देख लो कोई सामान रहा तो नहीं गया ना, सब कुछ है ना सही। पीयूष को चादर पसंद है, चादर ले जाने तो ले जा, ले जा। अरे नहीं नहीं, नीचे गिर जाएगी, गंदी हो जाएगी। चल मजाक कर रहा हूँ यार, तेरे घर में ला दूंगा ऐसी चादर। अरे घर में ला दूंगा, खराब मत कर तू। सर इसको उठा के देखो एक बार। मैं नहीं उठाता, एक बार उठा के तो देखो कितना भारी है। तू बैठ जाएगा। ओ भाई साहब। तो गाइस ये है मम्मी जी की ब्लेसिंग्स, जो कि मम्मी जी ने जाते हुए हमको दी थी। अरे भाई पेट्रोल डलवाना है। पेट्रोल आगे सोमेश्वर से डलवा लेंगे। थैंक यू सो मच, आप भी उसका बैग उठाते हो, बस सेफली पहुंच जाएं यार, आराम से चलें, कोई टेंशन की बात नहीं है।
चलते हैं, बाय, मिलेंगे जल्दी ही। तो काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस था इस होटल पे, मतलब मज़ा ही आ गया। तो अभी टाइम हो रहा है 10:42, तो अराउंड 11 बजे ही निकले हैं। मैंने कहा ही था भाई गिर जाएगा बैग, लैपटॉप है यार उसमें, यार लैपटॉप है, गिर जाएगा यार। अच्छा गिर गया तो, गिर गया तो मेरी गारंटी है यार, गारंटी की बात नहीं है ना, पूरा अच्छे से टाइट करके बांधना पड़ता है तब जाके नहीं हिलता, और इतनी रस्सी से कुछ नहीं होएगा, इसके लिए मोटी वाली रस्सी होती है बांधने के लिए। ये झटका आएगा ना, झटके में टूट जाएगी ये रस्सी, और अगर गलती से भी गिर गया ना लैपटॉप है यार इसमें, और भी सारा सामान है। प्लीज यार तू आते हुए भी तो पकड़ा था, पकड़ ले यार, क्या हो गया, जल्दी आ जा, आपको भी तो दिक्कत हो रही होगी। उससे उसकी दिक्कत से ज्यादा मैं ले लूंगा दिक्कत, हो अरे उसको नहीं है और ये दिक्कत यार, वो पकड़ लेता है। जल्दी बैग, भाई यार क्या ही हो रहा है, बैग बांधना तो मैंने उनका कैंसिल करवा दिया है क्योंकि बैग गिर जाता है यार। तो भी निकले हैं तो फुल तो करवा ही लेते हैं। ये जो पहाड़ हैं, पहाड़ों पर रोड है, ये देखने में तो काफ़ी अच्छी लगती है, बट यहाँ पे चलना सबसे ज़्यादा डेंजरस है। मतलब अभी हम चल रहे हैं तो हम अभी बहुत बड़े रिस्क पे चल रहे हैं अपनी लाइफ के। चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, चला लेंगे आराम से बाइक, ऊपर पहाड़ है हमारे, इतने पेड़ ही पेड़ है देखो ऊपर, और पेड़ों में से कुछ भी गिर सकता है, टहनियाँ टूट के, कई बार तो पूरे पेड़ ही गिर जाते हैं, पहाड़ ही गिर जाते हैं, पत्थर गिर जाते हैं, तो है ना रिस्की। तो इतने बड़े लाइफ के रिस्क पे चला रहे हैं हम। चलो कार वगैरह है उसमें फिर भी थोड़ा बहुत सेफ रहेगा बंदा, बट बाइक में तो बिल्कुल भी नहीं। अगर हमारे पर अभी कुछ गिरता है तो बचना मुश्किल है बहुत ज़्यादा। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है पहाड़ों में चलने के लिए, जिसको हमको इग्नोर करके चलना पड़ता है एंजॉय करते हुए। तो अभी हम अल्मोड़ा पहुंच गए और ये वाला व्यू थोड़ा अच्छा लग रहा था, तो फोटो शूट करते हैं यहाँ पे। बाकी पारस भी पता नहीं कहाँ रह गए, पारस भी अभी वेट कर लेंगे, फोटो भी क्लिक हो जाएगी। यहाँ से ना ये बीच में पेड़ वाला व्यू मस्त आ रहा है। अल्मोड़ा आए और यहाँ की फेमस बाल मिठाई ना खाया ऐसा हो सकता है। तो अभी हम खाएंगे छोले जो कि पहाड़ के फेमस होते हैं, सिंपल छोले हैं, पारस भैया तो है ही नहीं, भैया तो चले वो आगे निकल गए, इनको खिलाने थे लेकिन ये खिलाने खाते रहते हैं। मेरे को एकदम से याद आया कि बाल मिठाई लेनी है, फिर हम अल्मोड़ा से निकल जाएंगे ना, फिर आगे मिलेगी नहीं, यहीं पे मिलती है। मेरे को तो इतना पसंद आया मैंने एक प्लेट और मंगा लिया। तो बाल मिठाई अपनी आ गई है, छोले भी खा लिए, चले एक छोटे से छोले ब्रेक के बाद हम निकल पड़े हैं। अब फिर से वही रास्ते स्टार्ट हो गए जो जाते हुए हमने देखा था, जहाँ हम फंसे थे। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से चलाना पड़ेगा, मिट्टी मिट्टी है, पत्थर ही पत्थर पड़े हैं रोड पे, थोड़ी बहुत लद्दाख वाली फीलिंग लेते हुए हम यहाँ पे, खतरनाक रास्ते है, धूल उड़ते हुए। पीयूष और पारस भैया तो दिखे ही नहीं, काफ़ी टाइम हो गया। अरे निकल लो यार, तुम ही आगे निकल लो, पी 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 पी। तो अभी पता नहीं यहाँ पे क्या हो गया, जाम में फंस गए। तो फाइनली गाइस जाम खुला है, बट मेरे चलाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, मेरी पूरी बॉडी में पेन हो रहा है, मम्मी का प्यार साथ में है, चलते हैं। अरे फिर जाम लग गया, खुल गया जाम खुल गया। अबे यार भाई मुझे बहुत गुस्सा था, जैसे थूकते हैं ना जो लोग, गुटखा खा के थूक रहे हैं रोड पे, अपनी गाड़ी में जगह बनाओ थूकने के लिए, गुटखा खा के थूक देंगे बस। इतने अच्छे अच्छे पहाड़ हैं, इतनी अच्छी अच्छी रोड हैं, और यहाँ पे आके गंदगी करेंगे। तो अभी हम पहुँच गए भवाली, हमको लेना था जूस, भारी है यार ये तो, हमको बहुत दूर जाना है, हरियाणा जाना है हमको। तो अभी जस्ट रुके हैं कुछ खाने पीने के लिए, मेरी तो हालत ख़राब हो गई। तो अभी सबसे मेन तो गोप्रो की बैटरी चेंज करना, बैटरी कब से ख़त्म हो रखी थी, मैं कुछ छूट ही नहीं कर पा रहा था, मेरा मन ही नहीं कर रहा बाइक चलाने का। अभी 3:19 हो रहे हैं, तो हम 4:30 बजे तक पहुँच जाएंगे हल्द्वानी, पहाड़ ख़त्म हो जाएंगे फिर। मैप से आ रहे हम सीधा, रास्ता सीधा पता है हमको ना ना। तो अपने प्राइस तो आ गए हैं, और क्या मंगाया था रे, कोल्ड कॉफ़ी नहीं हो पाएगी। तो अभी भीमताल पहुँच गए, यहाँ से सिर्फ आधे घंटे का रास्ता बाकी है बस। बस पको गर्मी में अब दोबारा से, तो हम गर्मी ले लिए। यहाँ पे भी काफी मस्त ठंड हो रही है, बट आधे घंटे बाद गर्मी लगेगी, उसके बाद फिर गर्मी 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 गर्मी। लो भाई शहर में एंटर कर लिया है, पहाड़ जा चुके हैं, बाय बाय पहाड़। तो अब हम जाएंगे यहाँ से शुभम के घर पे, तो यहाँ से
तीन किलोमीटर है, 9 मिनट का रास्ता दिखा रहा है। 5 रुपया पहले ही चले गए यार। पारस भैया तो आए नहीं यहाँ पे। प्रणाम। ठीक हो? हाँ ठीक है। हाँ तो फाइनली पहुँच तो गए हैं, बट बहुत गर्मी हो रही है यहाँ पे, पूरी बॉडी की वाट लग गई मेरी तो, बहुत पेन हो रहा है। आज यहीं रुकेंगे, एडिटिंग वगैरह करेंगे, कल सुबह सुबह निकलेंगे। ठीक है पारस भैया, पता नहीं कहाँ रह गए यार। चाय बहुत ज़रूरी है भाई साहब, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, मतलब पूरा फेस मेरा चिपचिपा हो गया है। यहाँ से कुछ ही दूर पे कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, कितना ठंड लग रही थी मुझे, और यहाँ आते ही इतनी गर्मी। ध्यान से देखो इसको, इस शख्स को आपने कहीं तो देखा होगा। कहीं तो देखा होगा ब्रो, कहीं तो देखा होगा। याद है मैं इधर ही मारूंगा, ऐसे ऐसे ऐसे, अगर तेज मार दिख तो मुझे भी रहा ऐसे। भाई रील नहीं है ये, धागा है ये। तो अभी हम पतंग उड़ाने वाले हैं। तो पीयूष अपनी यहाँ पे रॉप झाड़ रहे हैं ना, सबको सिखा रहे हैं पतंग कैसे उड़ाते हैं। तो आज का हमारा डिनर शुभम भाई के साथ में, शानदार डिनर। पीयूष सर मैं तो एक में से खाएंगे, बिकॉज ये छोड़ देता है ना, तो हम दोनों एक में। मैं नहीं छोड़ता, ठीक है। खाना खा रहे हैं, हमारे पेट को लगेगा कि हम खिचड़ी खा रहे हैं, क्योंकि हमारे पेट में जाते सब मिक्स हो जाएगा, तो पेट को लगेगा कि भाई हम खिचड़ी खा, हमने खिचड़ी खाई। हमारे दिमाग को लगेगा, पेट को लगेगा, पेट वाह वाह वाह, बात देखो। तो भी रात की बज गई 11, एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है, एंड पीयूष भी सो चुका है यहाँ पे, मैं भी यहीं सो जाऊंगा, कूलर लगा हुआ है। फिलहाल इस व्लॉग को एंड करता हूँ, कल हम सुबह सुबह निकलेंगे हरियाणा के लिए, मम्मी पापा और यू और साहिल की बहुत याद आ रही है, तो आप नेक्स्ट व्लॉग में देखना। फिलहाल इसको एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो अभी हम पतंग उड़ाने वाले हैं। मुझे ये देखो।